नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं टाटा 2518 का रियर व्हील हब मेंटेनेंस कैसा करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था रियर व्हील हब कैसा डिसमेंडल करते हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना है दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंट्रो पेश करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम गाड़ी के रियर व्हील के पास आ चुके हैं। हम अब इसके बाद फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको कैमशाफ्ट फिट करना है। तो कैमशाफ्ट में हम पहले ग्रीस लगा देते हैं और कैमशाफ्ट के बुश में भी ग्रीस लगा देते हैं और उसके बाद में हम कैमशाफ्ट फिटिंग कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने कैमशाफ्ट फिटिंग कर दिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा कैमशाफ्ट को बाहर रखकर हम ब्रेक रैचेट फिटिंग कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ब्रेक रैचेट में भी थोड़ा ग्रीस लगा देते हैं और हम ब्रेक रैचेट को भी फिट कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये ब्रेक रैचेट हम फिटिंग कर रहे हैं और ब्रेक रैचेट को सेंटर में पकड़ना है। मीनिंग मैच करने के बाद में हल्का हल्का शाफ्ट को प्रेस करना है और प्रेस होने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, हमारा शाफ्ट पूरा प्रेस हो चुका है। अब हम इसके बाद कैमशाफ्ट का लॉक फिटिंग कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है ब्रेक रैचेट लॉक और लॉक हम फिटिंग कर देते हैं। और फिटिंग करने के बाद हम ब्रेक रैचेट को डाउन कर देते हैं, मतलब उतार देते हैं। तो शाफ्ट को हमें सीधा करना पड़ेगा, इसलिए हम हल्का हल्का ब्रेक रैचेट उतार देते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम ब्रेक लाइनर फिटिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये है दोस्तों ब्रेक लाइनर और ये है ब्रेक लाइनर की सबसे बड़ी स्प्रिंग। तो सबसे पहले हम बड़ी स्प्रिंग फंसा देते हैं दोस्तों, और इसके बाद हम डायरेक्ट फिट करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम हमारे चैनल मैकेनिक ज्ञान में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते हैं, वो भी मैकेनिकल से और हाइड्रोलिक से रिलेटेड। आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जब भी हम फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो ताकि आपको मिलेगा नोटिफिकेशन के थ्रू। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ब्रेक लाइनर फिटिंग हो चुका है। हम उसके बाद दोनों साइड के स्मॉल स्प्रिंग फिटिंग कर देते हैं और उसके बाद में हम ब्रेक लाइनर रोलर फिटिंग करते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने ग्रीस लगाकर ब्रेक लाइनर रोलर फिट कर दिया है नीचे का। अब हम ऊपर का भी फिट कर देते हैं और ये ऊपर का भी हमारा फिटिंग हो चुका है। अब अपोजिट साइड में चलते हैं और अपोजिट साइड के भी दोनों रोलर को फिट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी दिन हम और एक वीडियो अपलोड करेंगे हब सेटिंग कैसा करते हैं। जी हाँ, हब सिम सेटिंग कैसा करते हैं हम बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और इसके बाद जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं दोस्तों, वो है टाटा कॉमिन 6BT का टाइप इट कैसा सेट करते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं दोस्तों, अपोजिट साइड का हमने एक रोलर फिटिंग कर दिया है ऊपर का और एक नीचे वाला रोलर भी फिट करने जा रहे हैं।
और ये दोस्तों नीचे वाला भी रोलर फिटिंग हो चुका है, बट ऊपर वाला थोड़ा आउट है। तो चलिए थोड़ा ब्रेक रेचेट से हम उसको सेंटर कर लेते हैं। दोस्तों ऊपर लाइनर का जो रोलर है वो ठीक से बैठा नहीं है अभी, तो हम थोड़ा ब्रेक रेचिस से एडजस्ट करके उसे हम ठीक कर देते हैं। उसके बाद में रोलरों में ग्रीस लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें बड़ी बेयरिंग में ग्रीस भरना है, तो चलिए जल्दी जल्दी हम ग्रीस भर लेते हैं। दोस्तों ग्रीस इस प्रकार से भरना है, अपोजिट साइड में ग्रीस जो बॉल है बॉलों के बीच में से ग्रीस बाहर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी हम दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं इस साइड आर पार हो रहा है ग्रीस। तो इसी प्रकार हम जल्दी जल्दी ग्रीस भर लेते हैं। तो हो चुका है दोस्तों हमारा बड़ा बेयरिंग का ग्रीस भर के, और ये है हब, तो हब में भी हम ग्रीस भर लेते हैं। दोस्तों एक व्हील हब ग्रीसिंग करने के लिए हमें 900 ग्राम ग्रीस लगता है रियर हब में, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं हमारा हब ग्रीसिंग हो चुका है और हम इसमें बेयरिंग फिटिंग कर देते हैं। और बेयरिंग फिटिंग करने के बाद छोटी बेयरिंग में भी हम ग्रीस भर लेते हैं हब फिटिंग करने से पहले। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने छोटी बेयरिंग का भी ग्रीस भर के कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम बड़ी बेयरिंग के ऊपर उसका कवर फिट कर देते हैं और उसके बाद हम फिटिंग करेंगे ऑयल सील, ठीक है दोस्तों। तो एक छोटी सी हथौड़ी लेना है और उससे आराम आराम से एकदम चोट मारनी है ताकि ऑयल सील बेंड ना हो, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं हमारा ऑयल सील भी फिटिंग हो चुका है। अब हम डस्ट कवर फिट कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों। तो चलिए हम डस्ट कवर उठा लेते हैं, और ये है डस्ट कवर, और डस्ट कवर को भी इसी प्रकार फिट करना है दोस्तों। डस्ट कवर को नीचे की साइड ही मारना है, नीचे की साइड में कॉलर पे मारना है दोस्तों डस्ट कवर को, अगर ऊपर मारेंगे तो बेंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा डस्ट कवर भी फिटिंग हो चुका है, अब हम सीधा हब फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों हब फिटिंग करने से पहले हब को एकदम सेंटर में ले लें, और सेंटर में लेने के बाद एकदम बिल्कुल आसानी से अंदर फिक्स कर दें। देखिए एकदम आराम से इजीली बैठ चुका है दोस्तों। उसके बाद हमें डिस्टेंस लूप फिट करना है, तो हमने डिस्टेंस लूप फिट कर दिया। इसके बाद हमें सिम्स फिट करना है जिससे हम हब सेटिंग करते हैं दोस्तों, और उसके बाद छोटी बेयरिंग, छोटी बेयरिंग भी एकदम आसानी से जाएगी। और इसके बाद हम सील स्लू फिट करेंगे, और सील स्लू फिटिंग करने के बाद दोस्तों हम मक्खी वाइसर फिटिंग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चेक नेट को टाइट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। चेक नेट टाइट होने के बाद हम छोटी सील फिटिंग करते हुए दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है चेक नेट स्पैनर, तो इसे हम चेक नेट स्पैनर चेक नेट के ऊपर लगा लेते हैं और हम इसे स्पैनर से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद दोस्तों चेक नेट को लॉक करना भी पड़ता है, वो हम अभी सामने दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले लॉक कर लेते हैं और इसे हैमर से हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। और टाइट दोस्तों इतना करना है ताकि हमारा चेक नेट और गुल्ला का जो लॉक है उसका होल सेंटर में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा सेंटर पोजीशन आ चुका है। अब इस जगह पे हमें लॉक बोल्ट डालना होगा, तो चलिए हम लॉक बोल्ट डालने से पहले हम बेयरिंग कवर फिट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम
ऑयल सील फिट कर लेते हैं छोटी वाली। तो चलिए हम सबसे पहले ऑयल सील को ठोक कर बिठा लेते हैं। दोस्तों ऑयल सील फिटिंग करते समय इसको ड्राइवर सिर्फ कॉलर पे ही टच होना चाहिए, नहीं तो सील कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको ड्रायर से हल्का सा उसको प्रेस करके रखे हैं और हम एक एक्सटेंशन से हम उसे प्रेस कर रहे हैं। तो हमारा ऑयल सील फिटिंग हो चुका है दोस्तों। अब हमें चेक नट को लॉक करना है, तो हमने लॉक बोल्ट डाल दिया है और लॉक बोल्ट का नट लगाकर हम इसे चेक नट को अच्छी तरह से लॉक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हम जल्दी जल्दी इसको टाइट कर लेते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ मैकेनिकल से ही वीडियो बनाते हैं और बनाते रहेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा चेक नट लॉक हो चुका है और हम थोड़ा हब घुमाकर देख लेते हैं ठीक है या नहीं। दोस्तों हब फिटिंग करने से पहले इसको सेटिंग करना होता है, बट दोस्तों हमने जो हब फिटिंग किया है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई बेयरिंग नहीं टूटी थी, तो हमें हब फिटिंग करने से पहले उसको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम एक्सल फिटिंग करेंगे और एक्सल को बिठाने के लिए दोस्तों इसको ड्रायर से थोड़ा एक्सल को नीचे की ओर प्रेस करना पड़ेगा और अंदर की ओर ढकेलना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों अब मेनिंग मिलाकर एकदम आसानी से ढकेल दें। ठीक है दोस्तों, हमारा एक्सल फिटिंग हो चुका है। अब इसके बाद में हम ड्रम फिटिंग कर लेते हैं। तो ड्रम भी एकदम आसानी से फिट हो जाता है दोस्तों। आपको ब्रेक लाइनर उतारना पड़ता है और देखिए ब्रेक लाइनर उतारने के बाद एकदम इजीली फिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक्सल प्लेट फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों फटाफट और इसे हम टाइट कर लेते हैं। दोस्तों हमारे पास BS4 नेपच्यून इंजन ये सब हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बट अभी थोड़ी नई है दोस्तों BS3 BS4, तो हम इस पर भी वीडियो अपलोड करेंगे बट थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने एक्सल प्लेट के बोल्टों को भी टाइट कर दिया और अब हमारा रियर व्हील हब कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।